नमस्कार दोस्तों दोस्तों कल 7 अगस्त को भाई आप सभी का भी हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है भाई। लेकिन उससे पहले भाई हम डिस्कस करेंगे आईपीसी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी का भी रिवीजन करेंगे भाई। आज की क्लास एक मैराथन टाइप होगी भाई, जिसके अंदर भाई आपके जर्नल क्वेश्चन भी होंगे, सीआरपीसी से भी क्वेश्चन होंगे, आईपीसी के अध्याय भी होंगे और इसके अलावा आईपीसी की इंपॉर्टेंट धाराएं भी होंगी। तो भाई लास्ट टाइम पे ये रिवीजन जरूर करें भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें भाई। चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। एक तो हमारे होंगे भाई जर्नल क्वेश्चन भाई, जो कि 30 से 35 होंगे। इसके बाद हम आईपीसी के अध्याय पढ़ेंगे और इसके साथ में हम पढ़ेंगे भाई आईपीसी की इंपॉर्टेंट धाराएं भाई। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 का अनुच्छेद 360 इससे संबंधित है भाई। ये हरियाणा पुलिस के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था भाई। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। एक है भाई अपहरण, इसके साथ में चोरी और हत्या और कोई नहीं भाई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, तो राइट आंसर आपका होगा भाई डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। देखिए भाई अपहरण की बात करें तो धारा नंबर 362 में किसकी बात हुई है, अपहरण की बात हुई है। चोरी की बात करें तो धारा नंबर 378 है भाई और हत्या की बात करें तो धारा नंबर 300 है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके साथ में अगर हम बात करें धारा नंबर 359 भाई, धारा नंबर 359 जिसमें किसकी बात हुई है, व्यापहरण यानी कि किडनैपिंग की बात हुई है, और धारा नंबर 360 भाई भारत के अंदर भाई अपहरण। तो भाई 360 है भाई इसकी धारा, तो भारत में व्यापहरण की बात धारा नंबर 360 में हुई है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो भाई आज की क्लास का पर्पज यही है कि आपका रिवीजन हो भाई, जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो भाई। ठीक है भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई। एक अपराध की जाँच खालिस्तान दिया हुआ है आपको, दोबारा की जाती है, हरियाणा पुलिस के 2018 में पूछा गया है। देखिए भाई हमने इसका राइट आंसर दिया भाई ए और सी, न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी। देखिए भाई जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि भाई जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको भी अपराध की जांच करने का अधिकार होता है, इसलिए ए और सी दोनों राइट आंसर हो सकते हैं। लेकिन कई दोस्त क्या हैं कि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें भाई। देखिए भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में कब आया, ये भी हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए भाई आईपीसी के तो आपको धाराएं पढ़नी है, अध्याय पढ़ने हैं, और इसके साथ में भाई जो आप सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं भाई। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में कब आया भाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1872 भाई। 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया था भाई। फोर्थ क्वेश्चन भी हरियाणा पुलिस में पूछा गया है, दहेज हत्या से संबंधित कौन सी धारा है भाई। अगर आपको वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रही है तो भाई आप अपनी स्पीड को स्लो कर लें भाई, और आपको स्लो लग रही है तो फास्ट कर लें भाई। आज 1 घंटे की मैराथन में भाई कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जिससे भाई कल आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं भाई। देखिए भाई दहेज हत्या की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 304B भाई। आ एक ऑप्शन दिया गया है 498A, 449A, 304A भाई। तो इनको भी याद रखें भाई, 498A में किसकी बात हुई है, पति या पत्नी के संबंधियों द्वारा निर्दयता अगर की जाती है तो 498A लगती है। 304B का खै पार्ट यानी कि भाई जिसमें दहेज मृत्यु की बात हुई है, 304A में क्या होगा, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भाई हम आईपीसी का अध्याय पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे भाई जो भी आपकी धाराएं हैं। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखिए आईपीसी में खालिस्तान के तहत जालसाजी को परिभाषित किया गया है, तो धारा नंबर 463 में क्या बात हुई है, जालसाजी की बात हुई है, और धारा नंबर 468 में छल के प्रयोजन से जालसाजी, और 465 में जालसाजी के लिए दंड, और 467 में वसीयत इत्यादि की जालसाजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 463 में जालसाजी की परिभाषा है, 465 के अंदर जालसाजी के लिए दंड है, 467 में वसीयत इत्यादि की जालसाजी है, और 468 में छल के प्रयोजन से जालसाजी है भाई। इसको भाई नोट करें भाई पहले। इसके बाद भाई अगली धारा की तरफ बढ़े भाई। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी भाई 1860 के अधिनियम कब पारित किया गया भाई। देखिए भाई भारतीय दंड संहिता आईपीसी पारित कब किया गया भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को भाई आईपीसी को पारित किया गया था। देखिए भाई हमने लिखा भी है यह अधिनियम 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुआ था और 1 जनवरी 1862 को इसे लागू कर दिया गया भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई।
अगर इसकी भाई आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भाई एक नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई। देखिए 999-02-56-757 भाई, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें भाई, ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय दंड संहिता आईपीसी अधिनियम भारत में कब लागू हुई? तो आईपीसी कब लागू हुई, अभी अभी हमने बताया 1 जनवरी 1862 भाई, ठीक है भाई। तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो आपको बता दिया गया है भाई, और आपके पास कुछ दोस्तों के पास पहले से भी है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई सीआरपीसी भारत में कब लागू हुई, ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, सीआरपीसी की धाराएं तो ना पढ़ें भाई, इसलिए जो जनरल क्वेश्चन है उनको ना छोड़ें भाई। तो 1 अप्रैल 1974 को भाई सीआरपीसी भारत में लागू की गई थी भाई। इसके बाद भाई सीआरपीसी का शीर्षक क्या है, पेपर में पूछ लिया जाए सीआरपीसी का शीर्षक क्या है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है भाई। इसको मंजूरी कब मिली भाई, तो 25 जनवरी 1974 को मिली भाई। लागू कब हुई, 1 अप्रैल 1974 को। अध्याय कितने हैं भाई, 37 हैं, और धाराएँ कितनी हैं, 484 हैं भाई। देखिए भाई आईपीसी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, तो ये ध्यान में रखें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ था भाई, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भाई पारित कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई आपका 15 मार्च 1872 भाई। 15 मार्च 1872 को भाई क्या हुआ था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित हो गया था। आप देखिए फिर वही बात करते हैं, शीर्षक क्या है, एक्ट नंबर 1 है भाई। पहले जब स्वतंत्रता से पहले भी एक्ट होते थे, 1872 में कितने एक्ट पारित हुए भाई, उसी तरीके से इसका जो शीर्षक था भाई वो था एक्ट नंबर 1 ऑफ द 1872 भाई। पारित कब हुआ, 15 मार्च 1872 को। लागू कब हुआ, 1 सितंबर 1872 को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अध्याय कितने हैं, 11, और धाराएं कितनी हैं, 167 भाई। इस प्रकार भाई आप कंप्लीट इसका लास्ट टाइम पे ये जरूर पढ़ के जाएं, ताकि आपको 6 से 7 नंबर का आपको एग्जाम में फ़ायदा देखने को मिले भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ें भाई, और इसके साथ में वीडियो अगर अच्छी लगे तो साथ साथ में वीडियो को शेयर करते रहें भाई। आईपीसी का अध्याय 16 किससे संबंधित है भाई, यानी कि आईपीसी का अध्याय, देखिए अभी ग्रामस्यू का एग्जाम हुआ जनवरी के अंदर भाई, तो वहाँ पे पूछा गया कि अध्याय से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, और कल का भी एक एग्जाम था उसके अंदर भी HSSC के द्वारा एक एग्जाम पाइप फिटर का था, वहाँ पर भी आपको हरियाणा पंचायती राज की धाराओं से अध्याय से क्वेश्चन पूछे गए। तो उम्मीद है कि भाई हरियाणा पुलिस के एग्जाम में अध्याय से क्वेश्चन आए। तो आईपीसी का अध्याय 16 किससे संबंधित है भाई, मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले अपराधों से भाई, मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले अपराधों से। और पूछा जाए कि अध्याय 16 में धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो ये हो जाएगा भाई 299 से और 377 तक भाई, 299 से लेकर 377 तक अध्याय नंबर 16 में बात हुई है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े भाई, जुर्माना, अब भाई धाराएं आ गई भाई आईपीसी की, जुर्माना ना देने पर कारावास का संबंध आईपीसी की कौन सी धारा से है भाई। देखिए धारा नंबर 64 में कहा गया कि अगर आप आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, आप जुर्माना नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 64 के तहत भाई आईपीसी की धारा 64 लगेगी भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में खालिस्तान, अब क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई। देखिए भाई आज एक रिवीजन क्लास में है, जल्दी जल्दी है भाई, अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो नीचे 6 क्लास अवेलेबल हैं भाई, उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं SI के एग्जाम के लिए, अब तो आपको रिवीजन ही चाहिए भाई, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में खाली अध्याय हैं और धाराएं हैं, तो 11 कितने हैं भाई, 11 अध्याय हैं, 167 क्या हैं धाराएँ हैं भाई। इसके बाद क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, भारतीय दंड संहिता के अनुसार कितने प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं। देखिए ये जनरल क्वेश्चन है, दंड संहिता के आईपीसी के अनुसार कितने प्रकार के दंड, कितने प्रकार के हैं, तो भाई 5 प्रकार के दंड हैं भाई। इसके बाद आईपीसी की धारा 498 के अनुसार कुर्ता में शामिल है महिला का उत्पीड़न, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीसी की धारा 64 संबंधित है, जुर्माना ना देने पर कारावास धारा नंबर 64 है। चोरी के लिए कौन सी आईपीसी की धारा है, धारा नंबर 378। हत्या के लिए 300 है, दहेज हत्या के लिए 304 है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 16 भाई, जुर्माना ना देने पर कारावास कब समाप्त हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, जुर्माना अगर आप जमा कर देंगे या फिर जुर्माने के लिए सजा को काट लेंगे, तो भाई जुर्माना मानने की सज़ा कम हो जाएगी भाई। तो ए और बी, जुर्माना जमा करने पर, जुर्माने के लिए कारावास की अवधि कंप्लीट करने पर, ए और बी दोनों हो जाएगा भाई, ठीक है। साधारण अपवाद आईपीसी की धारा कौन से अध्याय में संबंधित है, साधारण अपवाद की बात कौन से अध्याय में हुई है, तो अध्याय नंबर 4 में हुई है भाई, तो 4 हो जाएगा। अभी इसके जस्ट बाद हम 35 क्वेश्चन होने के बाद अध्याय पढ़ेंगे, और अध्याय से भी आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा भाई।
इसके बाद एक क्वेश्चन है कि दुर्घटना एक अपवाद है, दुर्घटना एक अपवाद है, अगर आप विधि पूर्वक कार्य करते हुए अगर आपके पास दुर्घटना हो जाती है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा नंबर 80 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई, तो दुर्घटना एक अपवाद है, कौन सी धारा है, धारा नंबर 80 भाई। भारतीय दंड संहिता IPC की ड्राफ्टिंग समिति यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री की लज्जा भंग करने या अपमान करने के लिए उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना IPC की कौन सी धारा से संबंधित है, IPC की धारा 356 से भाई। अगर आप किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या उसका अपमान करने के लिए उस पर हमला करते हैं, फोर्स करते हैं, तो क्या हो जाता है कि IPC की धारा 356 लगती है भाई, तो ये आप याद रखें भाई। IPC की धारा 198 कौन से अध्याय से संबंधित है, अध्याय 198 की जो आपकी धारा है कौन से अध्याय में है। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसका जरूरी नहीं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, आपको भाई IPC से समझना है कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अध्याय नंबर 11 हो जाएगा भाई। 198 की धारा क्या है, 11, तो ये याद रखें भाई। जैसे कि अध्याय नंबर 1 से लेके 5 तक धाराएं अध्याय नंबर 1 में आती हैं, अभी कराएंगे आपको थोड़ी देर में। किसी व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए उसके ऊपर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना IPC की कौन सी धारा से संबंधित है, तो धारा नंबर 357 है भाई। ठीक है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध IPC के कौन से अध्याय से संबंधित है, तो अध्याय नंबर 17 भाई, संपत्ति के विरुद्ध अपराध IPC के कौन से अध्याय से, अध्याय नंबर 17 हो जाएगा। CRPC को भारत में मंजूरी कब मिली भाई, देखिए CRPC को भारत के अंदर मंजूरी की बात करें तो 25 जनवरी 1974 को मंजूरी मिली भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई IPC में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं भाई मंजूरी मिली लेकिन लागू कब हुआ वो आप बताएंगे, 25 जनवरी 1974 और लागू कब हुआ भाई, 1 अप्रैल 1974 को हुआ था भाई। ठीक है, IPC में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध के धाराओं की रेंज क्या है, यानी कि भाई सार्वजनिक शांति की बात के विरुद्ध अपराध की धाराओं की बात है। देखिए आपके पास कोई टाइटल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस टाइटल के अंदर धाराएँ कहाँ से कहाँ तक हैं, तो धारा नंबर 141 से लेकर 160 तक हैं भाई। IPC की कौन सी धारा जुर्माने की रकम से संबंधित है, देखिए जुर्माना ना देने पर कारावास धारा नंबर 64 है, और जुर्माने की रकम से रिलेटेड कौन सी है, धारा नंबर 63 भाई। इसके बाद आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा की बात IPC की कौन सी धारा में हुई है, तो 120 के में हुई है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई IPC की कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है, राजद्रोह से संबंधित कौन सी धारा है भाई, 124 क है भाई, 124 क क्या है, राजद्रोह से संबंधित धारा है भाई। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े भाई, अपराधी को श्रेय देना, अगर आप किसी अपराधी को श्रेय देते हैं IPC की कौन सी धारा से संबंधित है, तो धारा नंबर 212 भाई। अगर किसी साथी को कोई अपराधी है उसको श्रेय देते हैं तो धारा नंबर 212। IPC में विवाह से संबंधित अपराधों की धाराओं की रेंज क्या है, तो भाई शादी से संबंधित, मैरिज से रिलेटेड जितने भी अपराध हैं या फिर उनकी बात कहां पर हुई है, तो धारा नंबर 493 से लेकर 498 तक बात हुई है। मानहानि के लिए दंड, मानहानि की बात कहां पे हुई है, मानहानि की बात 499 में हुई है, और मानहानि के लिए दंड की बात धारा नंबर 500 में हुई है। हत्या सहित डकैती की बात IPC की कौन सी धारा में हुई है, आप डकैती तो करते हैं लेकिन साथ में आपके पास हत्या हो जाती है, तो IPC की कौन सी धारा लगेगी भाई, धारा नंबर 396 भाई। व्यापरण के लिए दंड, व्यापरण के लिए देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है अपहरण, अपहरण के लिए धारा नंबर कौन सी है, 362 है। व्यापरण के लिए धारा नंबर 359 है, 360 भारत में व्यापरण और 361 यानी कि कुछ एक्सेप्शन के साथ कि किसी चाइल्ड का आप व्यापरण किडनैपिंग करते हैं लेकिन अच्छे कार्य के लिए, 362 में अपहरण और 363 में व्यापरण के लिए दंड, सभी धाराएं याद होनी चाहिए भाई। लूट करने का प्रयत्न करना IPC की कौन सी धारा के अंतर्गत है, लूट करने का अगर आप प्रयत्न करते हैं लेकिन लूट हुई नहीं है, तो 393 हो जाएगी भाई। शराबी व्यक्ति इस लोक स्थान में दुराचार की बात, शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार की बात IPC की कौन सी धारा के अंतर्गत सम्मिलित है भाई, धारा नंबर 510 भाई। ठीक है भाई, अगर आप चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन हमारा चैनल है भाई, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, अब पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज कंप्लीट मैराथन क्लास होगी, इसको क्लास को जरूर देख के जाएं भाई, जिन्होंने धाराएं कहीं से भी पढ़ी हों, लेकिन आज ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी भाई। अब देखिए भाई IPC के अंदर कितने अध्याय हैं, 23 अध्याय हैं, 511 धाराएं हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है बताइए भाई, IPC का अध्याय 16 के अंदर धाराएं कहां से कहां तक हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा 299 से लेकर 377 तक हो जाएंगे भाई। उसी प्रकार पूछे कि आपका IPC का अध्याय 3 में धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो भाई आपका जो हो जाएगा कि 53 से लेकर 75 तक, 53 से लेकर 75 तक, यानी कि IPC की यहां पे धाराएं हैं भाई। ठीक है,
इसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपके पास पूछा जाता है अध्याय वन किससे संबंधित है, अध्याय टू किससे संबंधित है। तो अगर अध्याय से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई, क्योंकि ग्रामस्यू के एग्जाम में तो बने हैं भाई, और कल का एग्जाम होने के बाद आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से बनेंगे भाई। अध्याय नंबर वन की बात करें भाई, अध्याय नंबर वन में देखे भाई उद्देश्य का इंट्रोडक्शन दिया गया है, धारा नंबर एक से लेकर पाँच तक है भाई। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए तो भाई आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है भाई, अब दोबारा से लिख देते हैं भाई, एमबी कॉन्टैक्ट नंबर 999 भाई, 999026757 भाई, 56757 ये कॉन्टैक्ट नंबर है भाई। इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ है मिल जाएगी, चलो भाई, जिससे भाई जल्दी आपका रिविजन हो जाएगा। साधारण स्पष्टीकरण अध्याय नंबर दो में क्या बात हुई है, जर्नल एक्सप्लेनेशन की बात हुई है, साधारण स्पष्टीकरण, धाराएं कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेकर 52 तक हैं। अध्याय नंबर तीन में दंडों के विषय में 53 से लेकर 75 तक पनिशमेंट की बात हुई है। अध्याय नंबर चार में साधारण अपवाद भाई, आज एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे भाई, आज डायरेक्ट रिविजन है। जर्नल एक्सेप्शन है भाई 76 से लेकर 106 तक भाई। अध्याय नंबर पाँच दुष्प्रेरण के विषय में 107 से लेकर 120 है भाई। और अध्याय नंबर छः राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, भारत सरकार के खिलाफ आप षड्यंत्र रचते हैं, तो अध्याय नंबर छः में किसकी बात हुई है, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में 121 से लेकर 130 तक भाई। अध्याय नंबर सात में कहा गया है कि सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में 131 से लेकर 140 तक भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने पीछे पूछा था, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध में धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो वहां पे राइट आंसर था 141 से लेकर 160 तक है। तो अध्याय नंबर आठ में क्या है, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध 141 से लेकर 160 तक। अध्याय नंबर नौ में है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध 161 से लेकर 171 तक भाई। अध्याय नंबर दस में लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकरण के विरुद्ध अवमानना 172 से लेकर 190 तक भाई। धारा अध्याय नंबर है 11 भाई, देखते हैं भाई क्या दे रखे हैं, पहले इसको पढ़िए भाई। अध्याय नंबर 11 में दिया गया है कि झूठा साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, अगर आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो इनसे रिलेटेड जो धाराएं हैं वो कहां पर दी गई हैं, वो अध्याय नंबर 11 में दी गई हैं 191 से लेकर 229 तक भाई। अध्याय नंबर 12 में जाली सिक्के छापते हैं, सिक्के व सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध हैं 230 से लेकर 263 तक भाई। अध्याय नंबर 13 में माप तोल से संबंधित अपराध हैं 264 से लेकर 267 तक भाई। अध्याय नंबर 14 लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा आदि से संबंधित अपराध, यानी कि लोक स्वास्थ्य की बात सुरक्षा आदि से 268 से लेकर 294 तक है। अध्याय नंबर 15 में धर्म से संबंधित अपराध कहाँ पर हैं भाई, 295 से लेकर 298 तक हैं भाई। एक भाई नोट्स, जिन्होंने नोट्स लिए हैं उसके अंदर एक धारा हमने गलत लिखी है भाई, 294, तो 294 नहीं भी, वो 295 है भाई। किसी के अगर आप धार्मिक सम्मेलन में अगर किसी के भाई अपमान करते हैं तो उससे रिलेटेड धारा है भाई, धारा नंबर 295 भाई। अध्याय नंबर 16 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, धारा नंबर 299 से लेकर 373 तक भाई। 17 के अध्याय में दिया गया संपत्ति के विरुद्ध, जैसे धारा नंबर 378 चोरी से रिलेटेड है भाई, तो अध्याय नंबर देखिए दो अध्याय तो जरूरी याद रखें, 16 के अंदर 299 से लेकर 373 तक, और धारा नंबर अध्याय नंबर 17 के अंदर संपत्ति के विरुद्ध, जिसके अंदर भाई 378 से लेकर 462 तक, यानी कि सभी क्या धाराएं दी गई हैं। अध्याय नंबर 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों के संबंधित अपराधों के विषय में दस्तावेज से रिलेटेड बात हुई है भाई। अध्याय नंबर 19 में सेवा संविदा का आपराधिक भंजन, यानी कि 490 से लेकर 452 सभी धाराएं, ये सभी धाराएं और अध्याय कंप्लीट करा चुके हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 वीडियो मिलेंगी भाई, उसके अंदर भी अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर आप एसआई की या फिर महिला कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है, अच्छे से इनको पढ़ें भाई। अध्याय नंबर 20 भाई विवाह से संबंधित अपराध 493 से लेकर 98 तक भाई। और अध्याय नंबर 20 का कै पार्ट है भाई, पति या पत्नी के संबंधियों द्वारा निर्दयता 498 ए भाई। ये हमने पूछा था कि पति या पति के संबंधियों द्वारा निर्दयता की बात कौन सी धारा में हुई है, 498 ए हो जाएगा, इंग्लिश के अंदर भी लिखे गए हैं भाई। अध्याय नंबर 21 भाई मानहानि, मानहानि की बात देखिए, मानहानि का डेफिनेशन 499 में है, मानहानि के लिए दंड की बात 500 में है, और मानहानि की धाराएं कहां से कहां तक है, तो 499 से लेकर 502 तक भाई ये सभी धाराएं दी गई हैं भाई। ठीक है भाई, इसको भाई 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे भाई, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर भाई आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा भाई। आप रिवीजन करके चले जाइए, वहाँ पे आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अध्याय नंबर 22 आपराधिक अभित्रास अपमान और रिष्टिकरण करना 503 से लेकर 510 तक भाई। अध्याय नंबर 23 अपराध करने के प्रयत्न करना भाई,
अपराध करने के प्रयत्न करना, यानी कि कौन से अध्याय में है, प्रयत्न करते हैं भाई 23 में भाई, अध्याय एक अध्याय बीच में रह गया था भाई, पाँच के का ए पार्ट है आपराधिक षड्यंत्र, यानी कि अलग से अध्याय है भाई, अध्याय नंबर 5 में है। इसके अंदर धाराएं क्या हैं, 120 ए और 120 बी हैं आपराधिक षड्यंत्र, यानी कि 120 ए में तो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा होगी और 120 बी में क्या हो जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड हो जाएगा भाई। अध्याय नंबर 9 क्या है, चुनाव से संबंधित अपराध, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे अगर एग्जाम के अंदर आ सकता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई चुनाव से संबंधित अपराध की बात कौन से अध्याय में हुई है, तो 9 कै हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 9 कै हो जाएगा। अब इसको भाई एक बार वो करते हैं, देखिए भाई नोट्स के अंदर हमने लिखा है हरियाणा ग्राम सचिव के एग्जाम में अध्याय से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आईपीसी में भी अध्याय से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी अध्याय पढ़कर जाएं भाई। दो पार्ट कंप्लीट भाई, अब भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लो भाई, पानी पी लो, बहुत टाइम हो गया भाई, एक पार्ट और कंप्लीट करते हैं उसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई ये अगर आप पढ़ के जाएंगे, नोट्स को इस तरीके से तैयार किया गया है भाई ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो भाई, ठीक है भाई। जर्नल क्वेश्चन भी दिए गए हैं और ये जो सेम पैटर्न है भाई ग्राम सचिव का पैटर्न भाई, ग्राम सचिव में जिस पैटर्न के ऊपर धाराएं पूछी जा रही हैं उसी पैटर्न के ऊपर आईपीसी के नोट्स तैयार किए गए हैं, जो कि पूरे हरियाणा में यूनिक है भाई। इसके साथ में अगर आप हरियाणा ग्राम सचिव पटवारी और कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स और क्लासेज तो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं भाई, 30 से 40 क्लास हैं। अगर नोट्स चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 999-02-56-757 भाई, इसके ऊपर भाई आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें भाई, आपको मात्र 70 रुपये के अंदर भाई क्या हो जाएगा, 15 से 20 नंबर का भाई हरियाणा ग्राम सचिव का स्पेशल सब्जेक्ट मिल जाएगा भाई, ठीक है भाई। बढ़े भाई आगे की तरफ भाई, चलो भाई अब धाराएं पढ़ते हैं भाई, धाराएं सबसे यूनिक हमने बनाई हैं भाई और इसलिए इनको जल्दी से पढ़ने भाई। देखिए आईपीसी की 511 धाराएं हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल ध्यान से सुने जो कुछ भी बताया जाता है। धारा नंबर 1 भाई, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विसार, यानी कि धारा नंबर 1 में संहिता का नाम क्या नाम है भाई, संहिता का भारतीय दंड संहिता 1860 भाई, और उसके प्रवर्तन का विस्तार कहाँ पे होगा, पूरे भारत के अंदर होगा, पहले कहते थे जम्मू कश्मीर को छोड़कर होगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया है, वैसे पहले मानते थे लेकिन अब क्या है कि कंप्लीट बन गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 370 धारा हटने के बाद वहाँ भी ये लागू हो जाएगा भाई, ठीक है। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड, यानी कि कहाँ पे है भाई हमारा, ये है भाई हमारे पास धारा नंबर 1 के अंदर भाई। इसके बाद धारा नंबर 2 में देखिए, भारत में किए गए अपराधों का दंड, भारत में अगर कोई अपराध किए गए हैं उनके लिए दंड की बात कहाँ पे हुई है, तो धारा नंबर 2 में हुई है, वह हर व्यक्ति दोषी होगा जो कि संहिता के प्रतिकूल कार्य करेगा भाई। इसके बाद चलते हैं भाई धारा नंबर 20 में भाई, तो धारा नंबर 20 में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हुई है, यानी कि न्यायालय की परिभाषा दी गई है भाई। इसके बाद में धारा नंबर 21 के अंदर लोक सेवक की बात हुई है, किसकी बात हुई है, लोक सेवक की डेफिनेशन की बात हुई है। देखिए सब चीज़ों की डिफाइन किया जाता है, जैसे कि भाई कोई व्यक्ति पर्सन कौन है, जेंडर कौन है, नंबर क्या है, इन सभी की डेफिनेशन हर एक्ट के अंदर भाई बदलती रहती है भाई, ठीक है। इसलिए भाई अगर धारा नंबर 40 की बात करें, आपको पढ़ाने के लिए जो लोग शुरू करते हैं धारा नंबर 64 से शुरू करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई अपराध की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 40 में हुई है भाई। इसके बाद धारा नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं भाई, दंड है, दंड की बात भाई कहाँ पे हुई है, पनिशमेंट की बात कहाँ पर हुई है, तो भाई हम कहेंगे दंड की बात धारा नंबर 53 में हुई है। दंडों के प्रकार, कितने प्रकार के दंड है भाई, एक तो मृत्यु दंड हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, आर्थिक दंड हो सकता है। आजीवन कारावास भी दो प्रकार के होते हैं, एक श्रम के साथ मेहनत करनी पड़े भाई जिसके अंदर, और एक सादा कारावास, दोनों नौ होते हैं भाई, ठीक है, इनको भी आप ध्यान में रखें भाई। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन पूछा था भाई धारा नंबर 63 किस से रिलेटेड है भाई, तो जुर्माने की रकम, जहाँ पे जुर्माने की रकम की बात हो तो भाई धारा नंबर 63 होगी, और जहाँ पे जुर्माने की के लिए कारावास, जुर्माना ना देने पर कारावास, धारा नंबर 64 होगी। सब चीज़ें अब क्लियर करेंगे भाई, बस आप कंप्लीट वीडियो देखें भाई और चैनल से जुड़े रहें। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को की वीडियो को लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करें, और इसी से भी आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, अब आपका ग्राम सचिव का या फिर
SI का, सब इंस्पेक्टर का, सोसाइटी का एग्जाम है, तो उसका स्पेशल सब्जेक्ट भी हम कराएंगे भाई। सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या धाराएं बन सकती हैं वो भी आपके एग्जाम में आती हैं भाई, ठीक है। जुर्माने की रकम भाई, जुर्माने की रकम की बात कहाँ पे हुई है, धारा नंबर 63 में हुई है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, धारा नंबर 63 में जुर्माने की रकम, धारा नंबर 64 में जुर्माना ना देने पर कारावास, जुर्माना ना देने पर दंडादेश या कारावास की बात धारा नंबर 64 के अंदर हुई है भाई। इसके बाद आगे की तरफ देखिए भाई, धारा नंबर 66, जुर्माना ना देने पर किस बाती का कारावास दिया जाए, यानी कि अगर जुर्माना ना देंगे तो दंड होगा भाई, धारा नंबर 64 के अंतर्गत है, किस प्रकार का दंड होगा, यानी कि कठोर होगा या फिर माइल्ड होगा या फिर इजी, बिल्कुल मतलब यह होगा कि जिसके अंदर आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, तो धारा नंबर 66 के अंदर उसका जो दंड दिया जाएगा उसका भी प्रकार की बात हुई है, किस प्रकार का दंड होगा वो धारा नंबर 66 में हुई है भाई। धारा नंबर 68 में जुर्माना देने पर कारावास खत्म हो जाना, तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है भाई। धारा नंबर 63 भाई किसकी बात हुई है भाई, धारा नंबर 63 में किसकी बात हुई है कि जुर्माने की रकम से रिलेटेड है, धारा नंबर 64 में जुर्माना ना देने पर कारावास, धारा नंबर 66 जुर्माना ना देने पर किस प्रकार का कारावास दिया जाए, और धारा नंबर 68 के अंदर भाई जुर्माना देने पर कारावास का खत्म हो जाना, चारों धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और धारा नंबर 53 के अंदर दंडों के प्रकार भाई, कितने प्रकार के दंड हैं उन सभी की भी बात हुई है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़े भाई, इसके बाद धारा नंबर 71 भाई, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड के लिए अवधि भाई, यानी कि धारा नंबर 71 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। देखिए भाई, अगर आप एक बार क्राइम करते हैं फिर दूसरा क्राइम करते हैं तो बहुत ज़्यादा अपराध करते हैं, तो उसके लिए भाई आपकी जो दंड की जो अवधि क्या होगी भाई, तो उसकी बात कहाँ पर हुई है, तो धारा नंबर किस में हुई है भाई, धारा नंबर 71 में हुई है भाई। इसके बाद भाई अगली धारा है धारा नंबर 80, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। देखिए, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, देखिए भाई इसको बिल्कुल अच्छे से एक बार इसको ऊपर की तरफ करते हैं भाई, विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना, इसको समझे भाई, धारा नंबर 80 बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि अगर मान लेते हैं आपके पास बाइक है, आपके पास लाइसेंस है और आपके पास कोई गलती हो जाती है, तो वो कोई दंड नहीं माना जाएगा भाई, आप मतलब सेफ हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपके पास कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर आप तो अपराधी हैं भाई, आपके पास विधि पूर्वक जो कि लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ लाइसेंस आपको होनी चाहिए वो नहीं है और फिर आपके पास दुर्घटना हो, तो वो एक अपराध होगा। और अगर आपको विधि पूर्वक कार्य कर रहे हैं, विधि के साथ में चल के कर रहे हैं और आपके पास दुर्घटना हो जाए, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा धारा नंबर 80 के अंतर्गत भाई। धारा नंबर 94 के देखो भाई, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, अगर किसी व्यक्ति को धमकियों द्वारा विवश किया गया है, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, तो धारा नंबर क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा, अगर अब किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए विवश किया गया है तो उसको भाई अपराध नहीं माना जाएगा, कि केवल किसको छोड़ के, हत्या और इसके साथ में मृत्यु भाई, हत्या और मृत्यु को छोड़कर भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी को भी मार देता है तो फिर तो वो अपराध होगा भाई, इसके अलावा किसी को धमकाता है या फिर किसी के मतलब बहकावे में आकर या किसी को प्रेशर के अंदर विवश किया जाता है तो वो अपराध नहीं होगा, केवल क्या छोड़ना है, हत्या छोड़नी है भाई, ठीक है। पेपर के अंदर भी आ सकता है, 94 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 120 भाई, 100 के करीब धाराएं होंगी भाई, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर और धाराएं करा दो, तो भाई इतनी ज़्यादा धाराएं यानी कि कराने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर 30 से 35 नंबर होता धाराओं का पोर्शन तो जरूर कराते भाई, अब इम्पोर्टेंट ही रहेंगे भाई। धारा नंबर 120 भाई, कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यानी कि कंसीलिंग द डिजाइन टू कमिट, यानी कि किसी अपराध को छिपाना भाई, ठीक है। तो उसकी बात कहाँ पे हुई है भाई, तो धारा नंबर 120 में हुई है। अब इम्पोर्टेंट धारा, दो इम्पोर्टेंट धारा लिख लो भाई यहाँ पे, ठीक है। धारा नंबर 120 क्या है भाई, इसमें क्या है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा की बात कहाँ पे हुई है, 120 क में, और 120 क में किसकी बात हुई है, आपराधिक षड्यंत्र का दंड, 120 क में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, 120 क में आपराधिक षड्यंत्र का दंड भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 121 की तरफ चलें भाई, इसके अंदर दिया गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या फिर युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध करने की दुष्प्रेरणा करना, धारा नंबर 121 भाई। देखिए, अगर आप किसी भारत सरकार के खिलाफ कोई युद्ध करना चाहते हैं या कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, पुलिस को पता चल जाता है, तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगाई जाएगी, तो धारा नंबर 121 लगाई जाएगी भाई, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 121 का क पार्ट है,
धारा नंबर 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, यानी कि 121 में जो आप करते हैं अपराधों को करने का षड्यंत्र, जो आप षड्यंत्र रचते हैं भाई, देखिए उसमें तो आप करते हैं, और 121 कै में अगर षड्यंत्र रचते हैं तो उसके लिए क्या होता है भाई, आपके ऊपर धारा कौन सी आती है भाई, 120 का है। कल हमारे एक दोस्त करेंगे सभी धाराएं हमारे ऊपर ही लगेंगी, तो बोलने में आता है कि भाई आपके ऊपर ये लगेगी, आप अपने ऊपर ना लें भाई इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद 124 का है भाई, 124 कै के अंदर किसकी बात हुई है, लगभग धाराएं कराई गई हैं किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए, विवश करने या उसका प्रयोग करने के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल, यानी कि क्या हो गया कि अगर आप किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर कोई अपनी बात मनवाने के लिए या फिर कोई विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं उनको के ऊपर हमला करके भाई, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 124 लगती है भाई। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट धारा और देख लो भाई, इसको भाई कट करते हैं, राजद्रोह भाई। एक राजद्रोह पहले होती थी, पहले अंग्रेजों ने लगाई थी भाई, इसको ख़त्म करने की मांग चल रही है भाई, वैसे ये आजकल किसी गलत यूज हो जाता है भाई राजद्रोह का, तो इसको हटाया तो नहीं गया है, लेकिन इसको हटाने की मांग चल रही है। धारा नंबर 124 के अंदर किसकी बात हुई है, राजद्रोह की बात हुई है। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़े भाई, धारा नंबर 130 भाई, किसी कैदी को निकाल भागने में सहायता करना या उसे छुड़ाना, अगर किसी व्यक्ति को, अगर आप कैदी, कोई कैदी है भाई, उसको जेल से भगाने का प्रयास करते हैं, छुड़ाते हैं, श्रेय देते हैं, तो धारा नंबर 130 लगेगी भाई। क्या होगी, 130 भाई। 131 की बात करें, किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना भाई, यानी कि किसी सैनिक या नौसैनिक, मतलब कि भाई कोई एयरफोर्स, नेवी के अंदर या फिर आर्मी के अंदर कोई व्यक्ति है, उसको अपने कर्तव्य से विचलित करना कि भाई तेरे को कुछ पैसे दे देंगे, इसके आप ये काम कर दो, वो कर दो, तो उसको विचलित करने का अगर आप प्रयत्न करते हैं तो कौन सी धारा होती है भाई, धारा नंबर 131 भाई। इसके बाद आ जाओ भाई धारा नंबर 141, विधि विरुद्ध जनसमूह, यानी कि विधि विरुद्ध जनसमूह, अगर आप विधि के विरुद्ध भाई जो कुछ कानून के अंदर लिखा हुआ है उसके विरुद्ध अगर आप कोई भीड़ इकट्ठी करते हैं तो आपके ऊपर क्या होता है, दंड आता है, और वो दंड आता है आजीवन कारावास भाई, या जुर्माना भाई, या तो जुर्माना लगेगा या फिर आजीवन कारावास होगा। इसके बाद 144 भाई, अब 144 को ये ना समझे कि चार व्यक्ति एक जगह के ऊपर नहीं खड़े हो सकते, वो सीआरपीसी की धारा है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक विधि विरुद्ध जनसमूह, देखिए घातक आयुध हथियारों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में शामिल होना, यानी कि आप किसी जनसमूह के अंदर हथियारों को लेकर पहुँच जाते हैं, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 144 लगती है भाई, ठीक है। इसके बाद 146 भाई, आपका बलवा करना, बलवा तो हमें भी नहीं पता, उपद्रव करना होता है, रियोट करना भाई, रियोट करना क्या होता है भाई, यानी कि 146 के अंदर आता है भाई, बलवा करने के लिए, यानी कि भाई दंगा करने के लिए कह सकते हैं भाई, ठीक है, बलवा मतलब दंगा ही हो जाएगा, इनकी डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती हैं। 147 की बात करें, बलवा करने के लिए दंड, अगर आप कोई भाई रियोट यानी कि दंगा करने के लिए, दंड की बात कहाँ पे हुई है, 147 में, 146 में दंगा करना, बलवा करना या फिर उपद्रव करना, रियोटिंग करना, जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, 147 के अंदर बलवा करने के लिए दंड दिया गया है। 148 में घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना, देखिए अलग अलग थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, 148 में क्या है कि आप अगर हथियारों के साथ अगर दंगा करते हैं तो 148 लगेगी भी। इसके बाद भी 150 भी, विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को बाड़े पर लेना या बाड़े पर करने के लिए बढ़ावा देना, अगर आप किसी भीड़ को जुटाना चाहते हैं और वो सरकार के खिलाफ है या विधि के विरुद्ध है, अगर उसके लिए आप बाड़े के ऊपर भाई किसी भीड़ को इकट्ठी करते हैं, व्यक्तियों को लेके जाते हैं, तो आपके ऊपर क्या लगेगी भाई, आईपीसी की धारा 150 लगेगी भाई, ठीक है भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएँ हैं भाई। अब हमारी कितना टाइम हो गया भाई वीडियो को, 33 मिनट हो चुके हैं भाई, अब 10 से 15 मिनट के अंदर और कवर करते हैं, अब आपका लास्ट टाइम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद भाई देखिए वर्ड अलग अलग यूज हो जाते हैं, अभी हमने बलवा को भी रियोट मतलब दंगा ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर दंगे की बात हो, यानी कि एफरे, एफरे बोलते हैं भाई इंग्लिश में दंगे को, रियोट को भी दंगा बोलते हैं, वो इंग्लिश में नहीं पढ़ते हम, सिनोनियम, एंटोनियम, यानी कि कई वर्ड एक जैसे ही आ जाते हैं, तो आपका बलवा या उपद्रव आता है तो धारा नंबर 146, 147, 148 भाई, ठीक है। और प्रॉपर एफरे या फिर दंगा आता है इंग्लिश के अंदर भी देख लें भाई, तो 159 आ जाता है भाई। देखिए जिस प्रकार हमने कहा कि किडनैपिंग, किडनैपिंग को अपहरण भी बोलते हैं, व्यापहरण भी बोलते हैं, तो एबडक्शन को तो क्या बोलते हैं, एबडक्शन को अपहरण बोलते हैं, वो जो धारा नंबर 362 के अंदर है, और जब किडनैपिंग की बात आती है तो धारा नंबर 359 आ जाती है, तो बस वर्ड का अंतर है भाई थोड़ा थोड़ा।
इसके बाद भाई धारा नंबर 160 भाई, उपद्रव करने के लिए दंड, जब आप उपद्रव करते हैं तो उसके लिए दंड की बात धारा नंबर 160 में। इसके बाद 171 कैज है, फिर से बता रहे हैं भाई पूरी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भाई नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9990256557999025675757, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, पीडीएफ मिल जाएगी भाई। कुछ मात्र पेमेंट 40 रुपीज़ की पेमेंट है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई आगे की तरफ धारा नंबर 171 कैज से लेकर जय तक चुनाव संधि अपराध है भाई, चुनाव संबंधी अपराधों की बात कहाँ पर हुई है, तो यानी कि बात करें तो 171 से लेकर कै से लेकर जय तक बात हुई है भाई, ठीक है। 177 में बात करें तो लोक सेवकों को झूठी सूचना देना या 6 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना। देखिए धारा नंबर 177 भाई, याद रखो भाई, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसको भाई आप झूठी सूचना दे देते हैं, पुलिस को फ़ोन करके बोल देते हैं कि भाई इस प्रकार ये होने वाला है, अगर वो बात गलत निकलती है तो भाई आपके ऊपर भाई आईपीसी की धारा 177 लगती है। लोक सेवकों को झूठी सूचना देना क्या होता है, इसके अंदर भाई 6 माह की सजा हो सकती है, 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं भाई, ठीक है। 186 में क्या कहा गया है, सरकारी काम में बाधा डालना, अगर आप किसी सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, देखिए आपको जो धाराएं पढ़ाई जाती हैं वो डायरेक्ट पढ़ाई जाती है सरकारी काम में बाधा डालना। अब भाई आपका ये एग्जाम के अंदर इस प्रकार आ जाता है, जो प्रॉपर लिखी हुई है वो है लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना भाई, तो ये वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए आप भाई वहाँ पे घबरा जाते हैं, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। सरकारी काम में बाधा डालना वैसे समझने के लिए है, याद करेंगे लोक सेवक के लोक कर्तव्य यानी कि जो सामाजिक कार्य हैं के निर्वहन में बाधा डालने के लिए 186 है भाई। 191 भाई, याद रखें भाई, झूठी घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज में धारा नंबर 171 है, और यहाँ पर झूठा साक्ष्य देना, झूठे सबूत देना, गिविंग दी फॉल्स एविडेंस, 191 लगेगी भाई, 91 लगेगी। 193 के ऊपर चलें भाई, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, अगर आप झूठे सबूत पेश करते हैं तो आपको 3 साल से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं भाई ये। 201 में भाई आगे देखिए भाई, आप सरकारी काम में बाधा डालते हैं, 186 आपको बता दी भाई। इसके बाद में धारा नंबर 201 भाई, 201 में क्या बात हुई है, सबूत मिटाना, आप कोई अपराध किया है उसके सबूत मिटाने में लगे हैं, अपराध के साक्ष्य का विलोपन, अच्छे से पढ़े भाई, अपराध के साक्ष्य का विलोपन, अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना, इन सब की बात धारा नंबर 201 में हुई है भाई। धारा नंबर 212 अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, नीचे 6 क्लास अवेलेबल है भाई, पीडीएफ भी अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शन आपके पास है कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। आज 7 और 8 तारीख के लिए रिवीजन बेस्ट प्रायोरिटी है भाई आज हमारी। 212 भाई, 212 में अपराधी को श्रेय देना भाई, अपराधी को श्रेय देने की बात 212 में हुई है। 217 में भाई, सरकारी सेवक होते हुए किसी व्यक्ति को दंड से बचाने के लिए झूठे सबूत देना भाई। देखिए 217 में मान लिया कि अपना आपका कोई दोस्त है वो पुलिस के अंदर है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है, वो किसी व्यक्ति को, जैसे आपका कोई पुलिस के अंदर दोस्त है भाई और आपको सजा हो जाती है, आपने कोई अपराध किया है तो आपको बचाने के लिए झूठ बोलता है, तो उस प्रकार उसके ऊपर धारा कौन सी लगेगी, 217 भाई, तो उसके ऊपर सजा में क्या होगा, 2 साल की सजा होगी, जुर्माना होगी, नौकरी भी जाएगी, वो अलग से बात है, वो लिख नहीं रखी, नौकरी भी जाएगी, ठीक है। धारा नंबर 217 लोक सेवक सरकारी सेवक होते हुए किसी व्यक्ति को दंड से बचाने के लिए झूठे सबूत देना, 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 216 कै में भाई, लुटेरे व डाकुओं को आश्रय देने के लिए, अगर आप लुटेरे व डाकुओं को अगर श्रेय देते हैं तो आपके ऊपर 3 साल की सजा होगी भाई, 216 कै की परिभाषा के अनुसार भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर भाई 231 से लेकर 232 तक दोनों हैं, जाली सिक्के बनाना भाई, अगर आप सरकारी करेंसी का कूटकरण करते हैं यानी कि नकली नोट बनाते हैं तो आपके ऊपर धारा नंबर 231 और 32 के तहत कार्रवाई होती है भाई। इसके अंदर भाई 7 वर्ष की सज़ा दी गई है, 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों दिए गए हैं। 255 में सरकारी स्टाम्प से वह कूटकरण का दंड 10 वर्ष या आजीवन भाई। 255 में क्या है, सरकारी स्टैंप का गलत प्रयोग करते हैं कि भाई आपने चुरा ली भी स्टैंप, उसका गलत यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सरकारी स्टैंप को चुराना या उसका कूटकरण करना, उसके लिए जो दंड है 10 वर्ष की सज़ा है या आजीवन कारावास है, या फिर 10 वर्ष या आजीवन कारावास की सज़ा है, वो अपराध पे डिपेंड करता है भाई। 264 भाई, गलत मापतोल में बाटों का प्रयोग करना, दुकानदार भाई गलत बाट का प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम देता है, तो उसके लिए गलत बाटों का प्रयोग करता है और उसकी शिकायत की जाती है, तो उसके ऊपर धारा नंबर 264 के तहत कार्रवाई होती है भाई। 267 भाई, औषधि में मिलावट करना, अगर आप खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करता है अगर कोई, औषधि
के अंदर मेकिंग और सेलिंग दी फॉल्स वेट और मेजर, तो उस दी में मिलावट करके बेचता है भाई, किसी चीज़ में मिलावट करते हैं। जैसे आप चीनी लेने जा रहे हैं उसके अंदर भाई कंकर डाल दिए, तो मिलावट करता है उस दी में, तो 267 भाई, तो 267 के तहत उस दी में मिलावट की बात हुई है, उस पर कार्रवाई होगी भाई। 272 भाई, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना भाई, अगर खाने पीने की चीज़ों में जैसे दूध के अंदर भाई यूरिया डालते हैं तो वो एक मिलावट हो गई भाई, उसके अंदर भाई अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 6 महीने की सजा होती है, जुर्माना होता है, या दोनों हो जाते हैं भाई। 279 सबसे इंपॉर्टेंट धारा भाई, फिर से अब यहाँ पे कह रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिए भाई इसको। देखिए भाई 279 है, सड़क पर उतावलेपन व उपेक्षा से वाहन चलाना भाई। अगर आप किसी सरकारी जगह के ऊपर, अगर सड़क पर, सड़क भी तो आपके घर की नहीं है, वो भी क्या है, वो भी आपकी सरकारी है भाई, तो सड़क पर अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं बिना देखे भाई, बहुत तेज़ गति से अगर गाड़ी चला रहे हैं, या फिर उपेक्षा से वाहन चलाना, तो आपके ऊपर भाई 6 महीने की सज़ा, 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो पूछा जाए रैश ड्राइविंग, राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। देखिए दो धाराएँ हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताई हैं, एक धारा नंबर 80 विधिपूर्वक कार्य करते वक्त आपके पास दुर्घटना हो जाती है या दुर्घटना एक अपवाद है, तो धारा नंबर 80 भाई, और एक हम कहेंगे 279 भाई, ये दोनों तो बिल्कुल याद रख लो भाई। इसमें क्या है, सड़क पर उतावले रैश ड्राइविंग करना भाई, यानी कि वाहन को भाई अच्छे से ना चलाना भाई सरकारी जगह पर भाई, ठीक है। 292 में भाई अश्लील पुस्तकों को बेचना, 2 वर्ष की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना ETC, ये हो जाएगा भाई। एक भाई ये करेक्शन करें भाई, यहाँ पे करेक्शन करेंगे भाई, एक धारा नंबर 294 लिखाई भाई हमने, इसको एक बार कट करते हैं भाई। देखिए ये 294 है भाई, इस 294 में हमने लिखा है कि किसी वर्ग के धर्म, देखिए भाई जो धर्म से रिलेटेड जो धाराएं हैं वो 295 से स्टार्ट होती हैं भाई, तो यहाँ पर आप 295 लिखें भाई, 295 की धारा है भाई, 294 की नहीं है भाई। तो किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने या आश्चर्य से उपासना के स्थान को अपवित्र करना धारा नंबर 295 होती है भाई, 94 नहीं होगा, नोट्स के अंदर लिखने में गलती है भाई ये, ठीक है। तो सभी लोग भाई इसको करेक्ट करें भाई। इसके बाद 298 किसी दूसरे इंसान की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है और अगर उसके ऊपर आप भाई आप ठेस पहुंचाते हैं तो उसके लिए 1 साल की सज़ा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं भाई। इसके बाद भाई आ जाओ भाई अध्याय नंबर 16, यहीं से तो स्टार्ट होते हैं भाई अध्याय, तो इसमें आ जाओ भाई आपराधिक मानव दंड, अगर आपराधिक मानव वध, अगर कल्पेबल होमिसाइड होता है, मानव का वध किया जाता है आपराधिक तरीके से, तो भाई क्या हो जाता है धारा नंबर 299, बात एक ही होती है, सबकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। धारा नंबर 300 पे आ जाओ भाई, धारा नंबर 300 में हत्या की बात कहाँ पे हुई है, धारा नंबर 300, ये सबको याद होंगे भाई, ये जो पैटर्न है सबको याद होगा भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 299 में आपराधिक वध की बात हुई है, धारा नंबर 300 में हत्या की बात हुई है, 302 में हत्या के लिए दंड की बात हुई है, हत्या की श्रेणी में नए आने वाली गैर इरादतन, आगे की तरफ बढ़े भाई, देखिए 304 में हत्या की श्रेणी में नए आने वाली गैर इरादतन के लिए दंड भाई, तो इसकी बात 304 में हुई है, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं भाई। 304 है भाई, ये क्या है दहेज मृत्यु, यानी कि दहेज के लिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में भाई 304 खै लगती है भाई, 304 खै लगती है। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़े भाई, हत्या करने का प्रयास करना आप सभी लोग जानते हैं कौन सी धारा है भाई, धारा नंबर 307, आत्महत्या करने का प्रयत्न करना धारा नंबर 309 हो जाएगी भाई, ठीक है। ये बिल्कुल इजी धाराएं हैं, इनको भाई ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे भी। धारा नंबर 310, किसी के साथ अगर आप ठगी करते हैं 310 लगेगी, ठगी के लिए दंड की बात 311 में हुई है, गर्भ पारित कारित करना 312 हो जाएगा, और 313 के अंदर स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराना, अगर आप किसी स्त्री की सहमति के बगैर अगर गर्भपात करवाते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, धारा नंबर 313 लगती है भाई, ठीक है। स्त्री की सहमति के साथ गर्भपात होता है तो 312 भाई, और अगर स्त्री के बिना सहमति के अगर नहीं भाई बिल्कुल, देखिए 312 में गर्भ पारित कारित कराना, ठीक है, 313 में स्त्री की सहमति के बिना, देखिए 312 में क्या होता है, स्त्री की भी सहमति होती है, पुरुष की भी सहमति होती है, पूरे परिवार की सहमति होती है, तो 312 लगती है, इसमें कम सज़ा होगी भाई। अगर लेकिन 313 में क्या स्त्री की सहमति भी नहीं है और फिर भी ज़बरदस्ती अगर कराया जाता है तो 313 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद भाई आ जाओ भाई, दो इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं भाई, देख लो भाई पहले से।
ये भाई हमारी आज क्लास हो गई भाई 44 मिनट की हो गई है, 10 मिनट और लगेंगे भाई, 1 घंटे का मैराथन है भाई आज का। ठीक है, 326 कै में किसकी बात हुई है, एससी डमलो की बात हुई है। किसकी बात हुई है, एससी डमलो की बात हुई है। इसके बाद में 326 खै में एससी डमले का प्रयास करना भाई। देखिए भाई, 326 कै में किसकी बात हुई है, एसिड अम्ले की बात हुई है। 326 खै में एसिड अम्ले का प्रयास करना, केवल प्रयास किया है लेकिन हुआ नहीं हुई एसिड अम्ला, तो वो हो जाएगा भाई 326 खै भाई। इसके बाद भी 350 में आ जाओ, आपराधिक बल का प्रयोग करना भाई, क्रिमिनल फोर्स करना 350 लगेगी। किसी व्यक्ति पर हमला करना, असल्ट करना, धारा नंबर 351 लगेगी, एक इंपॉर्टेंट धारा। अब आ जाओ भाई धारा नंबर 354 भाई, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से आ जाए कि भाई, जैसे कि भाई स्त्री को घूर के देखना, या फिर उसके ऊपर बल का प्रयोग करना, या फिर किसी भी स्त्री से रिलेटेड यहाँ पे अगर उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करना, तो वो जो धारा होगी आपकी 354 के आसपास होगी भाई, 354 के आसपास होगी। 354 कै हो सकती है, खै हो सकती है, तो 354 याद रखें भाई, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से। ऑप्शन के अंदर हो सकता है 370, तो नहीं होगी भाई, 350 वो भी नहीं होगा भाई, तो ये 354 के आसपास आपकी धारा होगी भाई। ठीक है, इसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो डिफरेंस हम बार बार बता रहे हैं आपको, 359 भाई व्यापरण, इंग्लिश के अंदर किडनैपिंग बोलते हैं। 360 भाई भारत में व्यापरण, यानी कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और 361 का विधिपूर्ण संरचना में व्यापरण, यानी कि किडनैपिंग की परिभाषा तो 359 के अंदर है, 360 के अंदर भारत में व्यापरण होता है, 361 में विधिपूर्ण विधि के साथ। अगर कोई व्यक्ति मतलब छोटा बच्चा है, उसको अगर आप उसके भले के लिए कहीं पर वो जा रखे है, उसको उठा के ले आते हैं, उसका परिवार शिकायत कर देता है, तो फिर आप कहते हैं कि ये जैसे कि कहीं मैंने इसको बचाने के लिए ये किया है, तो मतलब आप अच्छे कार्य के लिए करते हैं, तो 361 के तहत वो होती है विधिपूर्ण संरक्षता में, उसको बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए 361 लगता है भाई। अब आ जाओ भाई आगे की तरफ है, 362 भाई, 362 में क्या है, 362 में अपहरण, अपहरण की बात, यानी कि इंग्लिश में देखें एबडक्शन, एबडक्शन की बात कहाँ पर, 362 में। इसके बाद अगर बात करें 363 भाई, किडनैपिंग के लिए दंड की बात, व्यापरण के लिए दंड की बात कहाँ पे हुई, 363 में। हत्या करने के लिए व्यापरण या अपहरण करना, किसी व्यक्ति का अगर आप किडनैपिंग करते हैं, एबडक्शन करते हैं, उसकी हत्या करना चाहते हैं, तो अगर ये साबित हो जाता है तो 364 लगती है भाई। क्या लगती है भाई, 364 लगती है, ये आप बिल्कुल याद रखें भाई। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, व्यापरण 359, 360 भारत में व्यापरण, 361 विधिपूर्ण संरक्षता में व्यापरण, 362 में अपहरण, 363 में व्यापरण के लिए दंड, और 364 में हत्या करने के लिए व्यापरण या अपहरण करना भाई। इसके बाद आ जाओ भाई 370 के ऊपर, मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की, मानव की, या फिर किसी व्यक्ति की तस्करी, यानी कि उसको खरीदना बेचना, यानी कि भाई किसी मानव को खरीदना और बेचना, यानी कि जिसे मानव तस्करी बोलते हैं, उसकी बात कहाँ पे हुई है, धारा नंबर 370 में हुई है। मानव तस्करी की बात कहाँ पे हुई है, धारा नंबर 370 में हुई है। इसके बाद धारा नंबर 376 में आ जाओ भाई, बलात्कार के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर द रेप, सबको याद है अभी 376 लगती है। 377 में अननेचुरल ऑफेंसेज, जो कि नेचर के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ हैं, कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं जिसके अंदर भाई क्या होते हैं कि उससे भाई नेचर भी क्या हो जाती है कि भाई उसको भी घिन आती है, कि ये नहीं कहते कि भाई ऐसा अपराध क्या है कि भाई सबको घिन नहीं आई इसको, यानी कि इस तरीके से होता है कि इसको शर्म नहीं आई, जो भी चीज़ें हैं तो अननेचुरल, जो नेचर के खिलाफ हैं बिल्कुल अपराध, तो भाई वो क्या है, वो 377 के अंतर्गत आते हैं भाई। तो ये हमारे अध्याय 16 कंप्लीट होते हैं। अब जल्दी जल्दी और कंप्लीट करते हैं भाई, अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए भाई क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखिए भाई 378 की बात करते हैं भाई। 378 क्या है, चोरी, अगर पूछा जाए चोरी की बात कहाँ पे हुई है, देखिए 2 मिनट रुकिए भाई, 378 भाई, 378 क्या है भाई, चोरी के लिए है, चोरी की बात कहाँ पे हुई है, 378 में हुई है। 379 क्या है भाई, चोरी के लिए दंड, 378 चोरी, 379 चोरी के लिए दंड, और 384 आ जाओ भाई, एक इंपॉर्टेंट धारा है भाई, जबरदस्ती अगर आप किसी के ऊपर वसूली करते हैं उसके लिए दंड रखा गया है, तो उसकी बात कौन सी धारा में हुई है, 384 के अंदर हुई है। इसके बाद आ जाओ भाई 390, दो चीज़ होती है, एक होता है डकैती, एक होता है लूट। डकैती क्या होती है भाई,
किसी बैंक को उखाड़ के लेके आते हैं भाई, तो क्या है वो तो डकैती है भाई, क्योंकि चार या चार से ज़्यादा व्यक्ति जाते हैं भाई बैंक से कोई पैसा चुराने जाते हैं, तो भाई लूट इसमें थोड़ा सा डिफाइन किया गया है, वैसे तो कुछ डिफाइन ही था। अगर चार से कम व्यक्ति कोई मतलब लूट करते हैं, कोई सामान चुरा के लेके आते हैं उसको लूट बोलते हैं, और चार से ज़्यादा व्यक्ति अगर करते हैं उसको डकैती बोलते हैं भाई, ठीक है। डकैती चार से ज़्यादा के लिए और चार से कम के लिए लूट होती है। 390 में किसकी बात हुई है? लूट की बात हुई है। 391 में डकैती की बात हुई है। दोनों चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, 90 में लूट की बात, 391 में डकैती की बात है, 392 में लूट के लिए दंड, 393 में लूट करने का प्रयत्न करना, लूट हुई नहीं है, लूट करने का बस प्रयत्न किया गया है, और 395 में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखें भाई, थोड़ा लूट डकैती, लूट के लिए दंड 392, लूट करने का प्रयत्न करना 393, और डकैती के लिए दंड 395। अगर डकैती करते वक्त अगर गलती से हत्या हो जाती है तो हत्या सहित डकैती 396 भाई। 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना, मेकिंग द प्रिपरेशन टू कमिट द डकैती, तो 399 आ जाएगी। डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड, अगर किसी डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड, धारा नंबर 400, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ द डकैतीज, ठीक है भाई। तो डाकुओं की टोली में अगर आप सम्मिलित हो जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो डाकुओं की टोली होने के लिए दंड 400 में लिखा गया है। 401 में कोई चोरी के गिरोह का होने के लिए दंड, चोरी के गिरोह में अगर आप पकड़े जाते हैं, डाकुओं की टोली में पकड़े जाते हैं तो 400 भाई, और चोरी के गिरोह में पकड़े जाते हैं तो 401 भाई। 410 में स्टोलन चुराई गई संपत्ति, चुराई गई संपत्ति की बात कहाँ पे हुई है? 410 में। 415 में क्या बात हुई है? छल की बात हुई है, और 416 में छल के लिए दंड की बात हुई है। 445 ग्रैबेदन, हाउस ब्रेकिंग, यानी कि अगर किसी के घर में आप घुसते हैं उसका यानी कि ग्रैबेदन करते हैं तो क्या हो जाएगा? 445 लगेगी। इसके बाद भाई 464 एक इम्पोर्टेंट धारा है भाई, झूठे दस्तावेज पेश करना भाई, क्या हो जाएगा? झूठे दस्तावेज पेश करना, मेकिंग द फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो क्या हो जाएगा? 464 भाई, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट धारा है 494 भाई, अगर आप शादीशुदा होते हुए भी अगर दोबारा विवाह करते हैं तो पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना 494 भाई, तो ये भी एक अपराध है भाई, ठीक है, तो 494 आ जाएगा। इसके बाद 498 भाई, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना भाई, किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक यानी कि भाई उसकी हत्या करने के लिए, अपराध करने के लिए उसको बैला फुसला के ले जाना 498 के अंदर भाई। और एक 498 एक ही धारा है, इम्पोर्टेंट है भाई, इसको भाई आप नोट करें भाई, एक बार इसको कट करते हैं और फिर देखते हैं भाई। 498 पति या पति के संबंधियों द्वारा निर्दयता, यानी कि अगर कोई हस्बैंड है और उसके रिलेटिव हैं उसके द्वारा अगर किसी औरत के ऊपर भाई निर्दयता की जाती है तो भाई 498 ए लगेगी भाई, 498 ए लगेगी, यानी कि 493 से लेकर 498 तक किससे रिलेटेड है भाई? 493 से लेकर 498 तक विवाह से संबंधी यानी कि मैरिज से रिलेटेड धाराएं हैं भाई। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक धारा है भाई, बार बार कह रहे हैं भाई पीडीएफ, इसके लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो भाई कंप्लीट आपको मिलेगी भाई, 999-02-56-757, 999-02-56-757, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी भाई। और अगर हरियाणा पंचायती राज की धाराएं, अभी ग्राम सचिव का एग्जाम होगा तो उसके लिए भी चाहिए तो भी कॉन्टैक्ट नंबर है भाई 999-999-02-56-757 भाई, तो वहाँ पे कंप्लीट पीडीएफ है भाई स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। आगे की तरफ बढ़ें भाई, 53 मिनट्स हो चुके हैं, आपके पास 2 से 3 मिनट और लगेंगे, 55 मिनट्स की हो जाएगी वीडियो। 499 में मानहानि की बात हुई है, और मानहानि के लिए दंड की बात किस में बात हुई है? 500 में हुई है। 506 में बात करें, किसी व्यक्ति को धमकाना, किसी व्यक्ति को अगर आप धमकाते हैं, इंटिमिडेशन करते हैं, तो 506 लगती है। और 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार की बात धारा नंबर 510 में हुई है। ये भाई हमारी वीडियो होती है कंप्लीट, जिस जो कि 3 पार्ट के अंदर थी। सबसे पहले तो 35 क्वेश्चन है भाई, 35 क्वेश्चन जो कि MCQ हैं, जो कि आपके बनाए गए हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड भाई। और इसके साथ में भाई जो अध्याय हैं, अध्याय से हमें उम्मीद है अब की बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसके साथ में हमें उम्मीद है कि भाई आपके IPC की धाराओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, CRPC से जर्नल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि HSSC का पीछे का पैटर्न है। अब नया होने को कुछ भी हो सकता है कि कोई कहे कि CRPC से क्वेश्चन नहीं आएगा, अब HSSC का चेयरमैन सोच लेगे भाई हमें क्वेश्चन देना है, तो वो किसी के
के ऊपर भाई किसी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो हो सकता था हमने कंप्लीट पीडीएफ के अंदर आपको कराया है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं भाई, क्योंकि जो आगे क्लास होंगी आपकी एसआई सब इंस्पेक्टर की या फिर जो भी एचएसएससी के एग्जाम हैं, हमारे चैनल के ऊपर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। इसके साथ में साइंस की क्लासेज भी चल रही हैं, फिजिक्स की क्लासेज के न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में मैथमेटिक्स एडवांस मैथ को भी चैनल के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो भाई चैनल के ऊपर अगर आप जाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं भाई, प्लेलिस्ट में आईपीसी दारापुर हरियाणा पुलिस की 6 क्लास हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यानी कि कंप्लीट है ये, लास्ट टाइम में आपको रिविजन कराया है भाई। ठीक है भाई, एक बार फिर से पीडीएफ के बारे में बता देते हैं कि भाई पीडीएफ जो है इसके अंदर कंटेंट क्या होगा। आईपीसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईपीसी के 23 अध्याय हैं, आईपीसी इंपॉर्टेंट धारा हैं, तो ये सब आप पढ़ के जरूर जाएं भाई लास्ट टाइम। उम्मीद है कि ये वीडियो भाई आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सभी को भी बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, धन्यवाद भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है भाई।